हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की छठी के लिए ड्रेस, क्योंकि अभी संडे लड्डू गोपाल जी की छठी है, तो उसके लिए हम ड्रेस बनाएंगे। और ड्रेस क्योंकि छठी का ड्रेस है तो येलो कलर में बनेगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को पीताम्बरी पहनाया जाता है। तो हम ये ड्रेस येलो और रेड के कंट्रास्ट में बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये 5.5 इंच का एक सर्कल ले लिया है। एक मैंने बुकरम का पीस कट किया है और 2 मैंने ये कपड़े के पीस कट कर लिए हैं। अब हम इनको यहाँ पे बीच में इस तरह से रख के बेस तैयार कर लेंगे। चारों साइड सिलाई लगा लेंगे और इधर साइड से इस तरह से फोल्ड करके साइड से कट करके, और यहाँ पे हम 1/2 इंच से भी 1 सेंटीमीटर कम रखते हुए यहाँ से कट कर लेंगे और इस पर चारों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए बेस तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये बेस पूरा बना के तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जिगजैग सिलाई लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उससे बहुत इजीली लग जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से फोल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ये नीचे की साइड आता है तो ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता, और ये फिनिशिंग के साथ भी रहता है, धागा वगैरह कुछ भी नहीं निकलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी थोड़ा इसको वो करें, तो इसका हम एक कपड़े का जो पीस है, हम एक बड़ा ले लेंगे लगभग 1/2 इंच, और हम उसको ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड करके चारों साइड से सिलाई लगा देंगे। तो चलिए, हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे येलो नेट का कपड़ा लेना है, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है, और जो हमारे कपड़े की चौड़ाई रहती है, इसको मैंने फुल लेंथ में कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और पहले यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे, और सीधी सिलाई लगाने के बाद हम इसमें इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स हमें बहुत पास पास डालना है, तो चलिए पहले सीधी सिलाई लगा के हम प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से प्लेट्स डाल ली हैं, और प्लेट्स देखिए, आप शायद देख रहे होंगे कि हमने बहुत नज़दीक नज़दीक प्लेट्स डाली हैं, इसीलिए इस तरह का एक लुक आ रहा है। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से सर्कल में लगाएंगे, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा सा गैप बन जाता है, तो इसलिए प्लेट्स को पास पास डालना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना ये बेस लेंगे, और बेस पे ये ऊपर की साइड हमें यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन पे इस तरह से रखना है, और यहाँ पे इसको चारों तरफ सिलाई लगा देना है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से लगा के बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये इस तरह का कोई भी एक आप प्रिंटेड कपड़ा ले सकते हैं। मैंने ये एक माता रानी की चुनरी ली है, जिसमें से मैंने ये इस तरह से ये थोड़ा बॉर्डर कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे डबल में, और ये मैंने ये देखिए 4.5 इंच मैंने इसको लिया है चौड़ाई में, और लंबाई इसकी भी चौड़ाई की फुल लेंथ है। तो आप इसकी जगह अगर आपके पास कोई माता रानी की चुनरी रखी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई प्रिंटेड कपड़ा भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से पहले इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, वापस हम इसी तरह से इसमें भी प्लेट्स डाल के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें भी इस तरह से प्लेट्स डाल ली हैं पूरे में। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंची टेप लेंगे, और यहाँ से पूरा यहाँ तक का नाप लेंगे, और यहाँ पे हम 1-1 इंच पे मार्क करते हुए जाएंगे। जैसे हमारा 1 इंच यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर देंगे, और पूरे में इसी तरह से एज ए सर्कल हम 1-1 इंच पे मार्क करते हुए जाएंगे, और फिर हम उस सर्कल के ऊपर इस पट्टी को लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें इस तरह से पूरे में सर्कल करके मार्क लगा लिया है। अब हम अपना ये रख के इस तरह से जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाया है, वहीं वहीं हम इसको ऐसे सीलते हुए चले जाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लगा लिया है, और इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये एक मतलब बहुत ही प्यारी, और जैसे गुजराती पैटर्न में साड़ी आती है ना, तो उस टाइप का कुछ इसका लुक आ रहा है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें यहाँ पे एक और पट्टी लेंगे, जैसी मैंने ये ली है,
अब हम और एक पट्टी लेके इसको यहाँ पे इस तरह से चारों साइड सिलाई लगा लेंगे और डोरी रख के इसको सील देंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कुछ मतलब पैच वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे सिंपल ही रहने दीजिए। ये सिंपल में बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि जो हमने ये वाला कपड़ा लिया है ये ऑलरेडी प्रिंटेड है और इस पर थोड़ा सा ये छोटा छोटा सा मिरर वर्क भी है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है, बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो अब हम इस पर यहाँ पर पहले ये पट्टी ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हम इसमें आगे डेकोरेशन करेंगे या नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने ये डबल कपड़ा और एक पट्टी का इस तरह से रख के सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, आप इस तरह की या किसी भी तरह की डोरी ले सकते हैं। अब डोरी को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे और ये हमारी डोरी यहाँ पे लग जाएगी। आप चाहें तो इसको सुई से कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा मशीन से अनकम्फर्टेबल फील हो रहा हो, नहीं तो आप इसको इस तरह से मशीन से कर लेंगे तो ये मशीन से भी ईजिली हो जाएगा। ये देखिए हमने ये डोरी डाल ली है और डोरी ये देखिए हमारी मूवेबल है। तो ये देखिए जब आप इसको लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो आप उनको इस तरह से टाइट करके पहना सकते हैं। तो देखिए हमारे ड्रेस का बेस बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसकी ब्लाउज बनाते हैं। ये देखिए तो चलिए ब्लाउज बना लेते हैं। ब्लाउज बनाने के लिए मैंने ये साढ़े पाँच इंच की लंबाई रखी है और चूंकि ये लाइनिंग का कपड़ा है इसलिए मैंने इसको इस तरह से डबल लिया है। ये देखिए ये मैंने सवा दो इंच इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई में मैंने ये साढ़े पाँच इंच रखा है, हमने ये डबल रखा है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऐसे रखेंगे और यहाँ पर गला कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इस तरह से गला कट कर लिया है और अब हम इसमें से बैक साइड को इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए और यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसको इधर की साइड भी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पे भी इस तरह से सिलाई लगा के फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ब्लाउज इस तरह से उस पर सिलाई लगाने के बाद सीधा कर लिया था और सीधा करने के बाद हम यहाँ पे ये चारों साइड इस तरह से लेस लगा लेंगे और ये देखिए हमारा ब्लाउज बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पे एक डोरी लगा लेंगे बांधने के लिए, हम यही वाली डोरी लगा लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से सील लेंगे दोनों साइड इतना इतना छोड़ के बांधने के लिए। ये देखिए हमने ये इस तरह से डोरी लगा ली है और अब ये इस तरह से पीछे बांधने की इस तरह से बंध जाएगी और ये देखिए ये हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। और ये ड्रेस इसी तरह से सिंपल रखेंगे और ये ड्रेस सिंपल में बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो अब हम बस ड्रेस को इतना ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।